इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का केवल एक मकसद है कि आप लोग दीपावली में सेफ्टी से पटाखों को दूर से चला सको। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मकसद नहीं है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। 1 2 3 तो ये मैं सेकंड वाला बटन दबाने जा रहा हूं। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस दिवाली पे मैंने ये बनाकर दिखा दिया, लेकिन 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 यहाँ पे एक पॉइंट तो है। दिवाली बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको ये सब नहीं बनाना, ये सब झंझट ही नहीं करना, लेकिन फिर भी उनको सेफली पटाखे फोड़ने हैं। या फिर हो सकता है कि आप लोग दिवाली में ही ये वीडियो देख रहे हो, दिवाली से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, तब आप कैसे बनाओगे, इतनी जल्दी क्या कर लोगे आप दिवाली में? तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा मतलब तरीका बताऊंगा जिससे आप पटाखों को दूर से फोड़ोगे, सेफली फोड़ोगे, और कोई भी फोड़ सकता है, और अभी के अभी इस चीज को ट्राई कर सकते हो, इतनी आसान है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में कुछ ऐसा करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लेना। और प्लीज इस वीडियो में जो भी दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए दिखाया जा रहा है, जिससे दिवाली जैसे फेस्टिवल को आप अच्छे से मना पाओ, सेफली रह के मना पाओ, पटाखों को दूर से ही जला पाओ। ठीक है, तो कोई भी इसका मिस यूज करने का मेरा पर्पस नहीं है। ठीक है, ना ही आपसे करवाने का पर्पस है। सिर्फ इस प्रोजेक्ट को यूज करना है तो दिवाली के लिए ही यूज करना है, और पटाखे फोड़ने के लिए यूज करना है सेफली रह के। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना यार, जिन लोगों ने नहीं किया है कर लो अभी से, क्योंकि अब दिवाली जाएगी तो और भी प्रोजेक्ट आएंगे, और अभी दिवाली गई नहीं है, अभी हो सकता है कुछ दिन है दिवाली में, तो फिर मिस ना करो वीडियो। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लेना, जिन लोगों ने नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक करना बनता है, वैसे भी लास्ट तक आप लोग लाइक कर ही दोगे, तो अभी से ही लाइक कर दो, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्ट वायर जोड़कर भी चला लेना, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छा करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए कुछ स्विच। ठीक है, क्योंकि हमें देखो जितने ही पटाखे हम चलाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम 10 पटाखे चला सकते हैं, जो स्विच दबाएंगे वो वाला चलेगा। ठीक है, मिस्टर एंकर भाई की वीडियो देखिए ना, बस कुछ वैसा ही सिस्टम हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 स्विच का यूज करूंगा, 4 पटाखों को चलाने के लिए। जो स्विच दबाएंगे वो पटाखा हमारा चल जाएगा। हम चाहे तो अलग अलग टाइप के पटाखे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो में। कंप्लीट बने रहना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बनाना है, उसमें स्विच लगा देने हैं। ठीक है, और वायर के कनेक्शन कर देने, बस इतना सा काम है। उसके बाद एक जरूरी चीज, हम इसको पावर कहाँ से देंगे? तो यहाँ पे मैं पावर देने के लिए यूज कर रहा हूँ लूम की पावरफुल बैटरी का। ठीक है, ये जो है लूम की बैटरी, जो कि मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता है, 12 वोल्ट 12 एम्पियर की बैटरी है। आप चाहो तो 5 एम्पियर की भी ले सकते हो, लेकिन ये बैटरी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लूम सोलर की वेबसाइट में जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मतलब लूम का सोलर भी बनाते हैं, लूम तो वैसे सोलर के लिए ज्यादा मशहूर है, लेकिन ये बैटरी सोलर और जो सोलर के हमारे हैंगर्स होते हैं वो बनाते हैं। उसके बाद इसके चार्जर भी वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको साइड में रखते हैं, फिलहाल इसका काम नहीं है, पहले हम बॉक्स तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम एक पीवीसी का पीस ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जितने भी स्विच आपको लगाने हैं, ठीक है, उतने यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 स्विच को इस तरह से लगाने वाला हूँ, और आप चाहो तो जितना मैं उतना छोटा या बड़ा बना सकते हो, जितने स्विच लगाओगे उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हम बस इतना सा रिमोट बनाएंगे, छोटा सा, तो चलो बना लेते हैं। तो गाइस एक बॉक्स के सारे पीसेस यहाँ पे कट चुके हैं, चलो इसको फेविकोल की मदद से यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद ये स्विच इसमें फिट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स हमने बना लिया है, अब जल्दी से ये जो स्विचेस हैं इसमें फिट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे स्विच हमने लगा लिए हैं, और यहाँ से अब वायर्स निकालने हैं, साइड में छेद दिए हैं। ठीक है, एक स्विच के लिए एक वायर इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा। ठीक है, और इसी तरह से सारे स्विचेस के लिए निकाल लेते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे कीड़े टाइप का बना लिया है,
ये जो लेग्स आपको दिख रही है ये वायर्स है जो कि हमारे काम आएंगे कनेक्शन करने में, ठीक है। सिंपल है, कोई भी कनेक्शन नहीं, बस स्विच आपको वायर जोड़ देनी है। उसके जिसको नीचे से जल्दी से बंद कर लेते हैं, उसके कुछ भी नहीं करना, जल्दी से बाहर चलते हैं, बैटरी से सारे पटाव कनेक्ट करते हैं और इससे कैसे कनेक्शन कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमने ये वाला सारा टेक्निकल काम तो कर लिया, ठीक है। अब आ गई है मेन चीज, इसके अंदर देखो क्या है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास है VIPs, ठीक है। देखो आप अगर मिस्टर इंडियन हैकर वाला VIP इमेजिन कर रहे हो ना, तो वो वाला ये नहीं है, यहाँ पे वो वाला मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये भी काफी दमदार चीज है, ठीक है। एंड ये ओनली एक दिवाली क्रैकर है, ठीक है। ये बात मैं YouTube के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि YouTube आजकल पता नहीं क्या कर रहा है, स्ट्राइक दे देता है या फिर वीडियो को ऐड ही बंद कर देता है। तो यार प्लीज़ थोड़ा सा बात को समझा करो, लॉजिक भी लगा लिया करो कि ये ओनली एक दिवाली क्रैकर है, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप क्या करेंगे ना, हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि हम इसका यूज़ करके इसको इलेक्ट्रिकली इग्नाइट कर पाएं, दूर से जला पाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बटन दबाएं और ये इग्नाइट हो जाए, तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा नाइक्रोम वायर, ठीक है। अब नाइक्रोम वायर को इसके फ्यूज के साथ अटैच कर देंगे, दो वायर्स निकाल लेंगे और दोनों वायर को यहाँ से होते हुए यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ताकि बटन जैसे दबाएं नाइक्रोम वायर गर्म हो और ये जल जाए, ठीक है। और इसको हम काफी दूर पे रखने वाले हैं जिससे कि हम सेफ्टी से चला पाएंगे। तो चलो आपको एक के साथ करके दिखा देता हूँ, उसी तरह से हम चार के साथ करेंगे और फिर आपको कनेक्शन करके दिखा देंगे। गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिकली फ्यूज में जोड़ रहे हैं नाइक्रोम वायर को जिससे कि हम दूर से इस पटाखे को इग्नाइट कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने चारों को कर लिया है क्योंकि हमारे पास चार स्विच है और इन सबको एक सेफ डिस्टेंस पे कनेक्शन करेंगे। फिर कनेक्शन करने के बाद आपको बताऊंगा किस किस तरह से हुआ है, बहुत ईजी है, आप लोग तो समझ ही जाओगे ना। देखो करना क्या है, बस एक तार इधर से जोड़नी है और ये दो तार बचेगी वो बैटरी से लगानी है। बस यहाँ पे ये करना है कि इस जो पटाखे इसको सेफ डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से जाके कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन वायर वाली होगी, वायरलेस मैं नहीं कर रहा हूँ, वायरलेस करूंगा तो फिर YouTube कुछ गड़बड़ कर देगा हमारे साथ, ठीक है। मुझे तो यही करने में डर लग रहा है। सो चलो कर लेते हैं, आप लोग के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो चलता है, ठीक है। एंड YouTube ओनली क्रैकर है और प्लीज आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है इस वीडियो में कि यार ये जो चीज है ना, ये जो मैंने आपको फ्यूज बनाना सिखाया है और इलेक्ट्रिक इग्नाइट करना सिखाया है, ये सिर्फ दिवाली पर्पज से सिखाया है कि जिससे दूर से पटाखे को जला पाओगे सेफली, ठीक है। और कोई भी इसका गलत यूज मत करना, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो इसका ओनली दिवाली पटाखे के लिए ही आप लोग यूज करना, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमने किस तरह से पटाखे को सेट कर दिया है, ठीक है। एक यहाँ है, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। और यहाँ से चारों वायर गई हुई है, आपको आओ इधर सबको ईंटों से इसलिए दाब दें क्योंकि एक पटाखा फटने के बाद हमारी वायर इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पूरा कंट्रोल सिस्टम है, बैटरी मैं सबसे लास्ट में अटैच करूंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो अटैच करते वक्त यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का है डायग्राम, आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, आप चेक कर लेना, अभी तो उतना समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे ट्राइपॉड लगा हुआ है, एक यहाँ से शूट होगा अलग अलग डिस्टेंस, जैसे रॉकेट वाली वीडियो में भी आपको अलग अलग जगह से दिखाया था, इस बार भी अलग अलग जगह से दिखाऊंगा। आज भी हमारे पास सीजी ब्रोक है, ठीक है, इसी का ये मोबाइल भी है और इसी का ट्राइपॉड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो मोबाइल की हेल्प इससे मिल जाएगी, दो मोबाइल हमारे खुद के हैं, तो बहुत अच्छे खासे आपको सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी चेयर्स लगा दिए जिससे कि कुछ भी मतलब हो ना, वैसे तो सेफ डिस्टेंस है, यहाँ पे दीवार है और हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोने में आके बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब मैं बैटरी में वायर अटैच करूंगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख लो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर इस तरह से लिख दिया, थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए लेकिन नंबर्स लिख दिए जिससे कि हम पहले चलाएंगे तो इधर वाला इधर वाला इधर वाला इस तरह से चलेगा, ठीक है। एक उधर से भी शूट हो रहा है, देख लो रिस्क है, ठीक है, लेकिन वो भी काफी सेफ डिस्टेंस है। तो चलो अब मैं यहाँ पे वायर लगाता हूँ, उसके बाद बूम करते हैं। यहाँ पे वायर लगा दी है और मेरा दिल धक धक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अब पता नहीं कितनी जोर से फटने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वाला करते हैं, उधर से भी कैमरा रेडी है, ठीक है, और हमने ट्राइपॉड भी कैमरा लगा रखा है। तो चलो हम तो इधर इधर आ जा, तू भी कैमरामैन, ठीक है। तो चलो फर्स्ट वाला दबाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, एक दो तीन, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है, मतलब जो वायर है वो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की थी तो हीट को उतना ज्यादा मतलब पावर को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद हमने कॉपर वायर का यूज किया है। चलो 1 2 3 करते हैं और यहाँ पे एक एक करके काम करना पड़ेगा, 1 2 3।
गाइस फर्स्ट वाला देखने के बाद तो सेकंड वाले पे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं सेकंड वाला बटन दबाने जा रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। गाइस थर्ड वाले के लिए रेडी हो, ठीक है। मैं ये वाला बटन दबाऊंगा और थर्ड वाला वहां पे लास्ट, ठीक है। इस बार मैं भी थोड़ा सा लास्ट वाला होने वाला है, ये रहा फोर्थ बटन, ठीक है। और 1 2 3 करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, चलो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सब कुछ अब थोड़ा सा शांत दिख रहा है। एक तो देखो यहाँ तक आया है, ठीक है, और ये अभी ताजा वाला है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एक भी आपको पटाखा नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे मतलब अवशेष भी नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे एक रस्सी पड़ी हुई है, देखो ये है, ठीक है। और यहाँ पे हम इतने सेफ डिस्टेंस पे रहते हुए इनको फोड़ रहे थे, ठीक है। और इतना मस्त आवाज करता है, मैं तो सुनने में मुझे डर लग रहा था, मतलब इतना ऐसा तेज आवाज ये करता है, ठीक है। और ये मेथड बिल्कुल सेफ है। एक आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पे पतली वायर, चीप वायर मत सोचना कि थोड़े पैसे बच जाएंगे, चीप वायर लाओगे तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। वायर हल्की हल्की हीट होगी और माइक्रो वायर हीट ही नहीं कर पाएगा ज्यादा दूर से। तो यहाँ पे हमने लास्ट में कॉपर वायर का यूज किया। अच्छी वाली कॉपर वायर यूज करोगे तब जाके ये काम आप सक्सेसफुली कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लगभग 5 मीटर का डिस्टेंस रखा था, आप 6 मीटर 10 मीटर 20 मीटर जितना भी रखना है रख सकते हो, ठीक है। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए बनाया था मैंने, ठीक है। कोई भी इसका मिस यूज प्लीज मत करना, और मेरा इरादा भी नहीं है कि कोई मिस यूज इसका करे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दिवाली का प्रोजेक्ट था, ठीक है। और जिससे आप लोग सेफ रहते हुए दिवाली में काम कर पाओ, पटाखे चला पाओ, ठीक है। कितना ही बड़ा पटाखा आप इससे चला सकते हो, ठीक है। सिर्फ VIP वगैरह के लिए मैंने बनाया था। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, पता नहीं YouTube इस वीडियो के साथ कुछ ना कर दे उल्टा पलटा, ठीक है। उम्मीद है आपको सेफली ये वीडियो YouTube में मिल जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है आज की वीडियो में। इतनी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लो। अभी भी कुछ दिन है दिवाली में, तो कुछ चीजें और मिल जाएगी, मिस नहीं करोगे उसको, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लो। चलो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक ले गुड बाय।